एक उम्र हो या करें, इस उम्र में बच्चा जो है बहक जाता है, जो समझ जाता है वो समझ जाता है, जो बिगड़ जाए वो बिगड़ जाए। तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे उस लड़के से अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ, जो भी था वो, और मैं फैमिली को छोड़ के चली गई इनके। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त कैमरे पर बाप बेटी को आप देख रहे हैं। भाई, एक अनोखी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपको सुनकर के आपकी नींद उड़ जाए, आप हैरान हो जाए इस बात को सुनकर के कि इस बाप की बेटी किसी लड़के के साथ में घर से भाग जाती है। जी हाँ, ये कड़वी बात है। ये खुद हिंदू धर्म में है और एक मुस्लिम लड़के के साथ में इसकी बेटी अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को छोड़ करके घर से भाग जाती है। इस बाप के ऊपर क्या कुछ बीती थी वो दुख हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल के लिए खुशखबरी यह है कि भाई ये बेटी वापस आ गई है। धर्म बदलवाने की बात आ गई थी, हिंदू से मुस्लिम बनने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही अपने घर पर वापस आ गई है। भाई क्यों भागी, कैसे प्रेम हुआ, वो सारी बातें जानेंगे और वापस कैसे आई है ये सब हम बातें जानेंगे। सबसे पहले तो राम राम जी। नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम जी, और जितने हमें सब देख रहे हैं उन सबको भी राम राम। बिल्कुल गुड़िया, पूरा हरियाणा, पूरा देश जानना चाहता है आपको, मतलब माँ बाप छोड़ कर क्या चले गए इस बार, ये सच थी बात? देखो भैया, एक उम्र हो या करें, इस उम्र में बच्चा जो है बहक जाता है, जो समझ जाता है वो समझ जाता है, जो बिगड़ जाए वो बिगड़ जाए। तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे उस लड़के से अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ, जो भी था वो, और मैं फैमिली को छोड़ के चली गई इनके जज्बातों को ना देखते हुए, मैं वहाँ पे सेल्फिश हो गई। बट कहीं ना कहीं माइंड में ये भी था कि यार तू सब छोड़ के तो आ गई, फिर तेरा क्या होएगा आगे। बट वहाँ जाके जब मैंने देखा कि तू आ तो गई किसके विश्वास पे, एक लड़के के विश्वास पे, लेकिन उसने भी मेरे साथ कट ऑफ किया। अच्छा, शादी से पहले आपकी दोस्ती फेसबुक पे हुई थी? जी, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जी। पहले उसने कोई मतलब कितनी झूठ बोल रखी थी जो मतलब सुनने में आ भाई वो शादी, दूसरी शादी भी कर रहा था? झूठ उसने इतनी बोल रखी थी, ना तो उसने अपने परिवार के बारे में मेरे तो बताई, ना कदे ये बताया कि भाई मेरी दूसरी शादी, पहले भी मैंने एक ब्याह कर रखा है और मेरे बच्चे भी हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जब कभी सोशल मीडिया पे मैंने पूछना भी चाहा तो वो बंदा हाँ ना नो कर करके टाल दिया करता, भाई माँ है घर में, बाबू है, बेबे है, ये सब बता के और बात को टालम टोली कर दिया करता था। तो कब आपको महसूस किया भाई मैंने गलत शादी कर ली, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मेरी जिंदगी नरक बन गई? ये मेरे को पता चला सेफ हाउस 2 के अंदर जब हम बैठे हुए थे, तो कुदरती वो बंदा अपना फ़ोन वहीं पे भूल गया और उसका कॉल आता है उसकी पहली बीवी का। जब मैंने बात करी तो उसने मेरे को सामने से मुझे बोला कि भाई मैं उसकी पहली बीवी हूँ। वहाँ मेरे को हर्ट हुआ, धक्का लगा खुद से, वहाँ मैं टूट गई थी। तो मैंने सोचा कि यार अब ऐसा क्या किया जाए, फिर उस मंथन में ही थी मैं, वो मुझे धीरे धीरे भाई सेफ हाउस से अपने घर ले गया। वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुझे इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा तभी हम तुझे एक्सेप्ट करेंगे, तो मेरे जमीर ने गवाही नहीं दी और मैं वहाँ से भी फुर हो गई। बिल्कुल, तो देख लो भाई, एक बाप के ऊपर क्या बीती होगी भाई, लालन पालन में, पालन पोषण में को कमी नहीं छोड़ी। ताऊ जी, आपके दिल पर क्या बीती जब आपने छोड़ कर आपकी बेटी चली गई, रो रो का आपका बुरा हाल हो रहा था? देखो, सबसे पहले तो ये कहूँगा जो रमेश चल ने जो स्टोरी लिखी है, इसका फिल्मांकन कराया है, कलाकारों की जो कास्टिंग करी है, मेरे ख्याल में बहुत ही बढ़िया काम कराया है और बहुत अच्छा जो आपने देखने को मिला है। और रही वो रियल की, रियल वाली जो बात है, तो बिटिया ने शादी करी है, इंटरकास्ट मैरिज करी है, या मेरी रियल वाली बेटी है, मेरी रियल की भी 3 बेटी हैं, तो मेरे को इतना ज़बरदस्त महसूस होया। मगर यार, अगर बच्चा यो कदम उठा ले है तो बहुत गलत हुआ है। उसकी थोड़ी सी कमी माँ बाप की होती है, माँ बाप अपनी नौकरी, अपने रोज़गार की वजह से बच्चों को समय नहीं दे पाते। मतलब सभी माँ बापा ने यह कहूँगा भाई, अपने बालकों ने समय दो और जो बालक थोड़ा सा गलत चल रहा है या गलत चलने से पहले उसको शिक्षा दो, समझाओ भाई ये जो काम है यो बिल्कुल ही गलत बात है, इससे बचो और बचाओ। खुद एक सबसे बड़ा उदाहरण आपने, भाई पहले तो मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ काल्पनिक पात्र हैं, वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं था, क्योंकि केवल इंटरव्यू कर रहे हैं हम सेफ हाउस में किरदार बाप बेटी का, और ये इंटरव्यू इस वजह से ही कर रहे ताकि समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए। अंकल जी, वीडियो जो फिल्म के अंदर आपने
एक अच्छा कार्य किया कि बेटी भूल करके वापस चली आती है घर पे और भूल करके चली जाती है लेकिन वापस आ जाती है ठोकर लगने के बाद, लेकिन आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और लेने के लिए खुद गाड़ी में जाते हैं, उस बिटिया को वापस ले आते हैं। कितना अच्छा संदेश है समाज को। बहुत बढ़िया है, मैं नु को हूँ। कई माँ बाप बेटी को वापस नहीं आने देते, बच्चे में गलती हो जाया करे। अगर वो बच्चा समय पे संभल जाता है तो कहीं ना कहीं माँ बाप ने भी झुकना पड़ता है। और मैं तो जो पूरे भारतवर्ष के जो भी हैं, हिंदुस्तान के, हरियाणा के हैं, मैं सब ने नुकू हूँ। अगर कोई बच्चा गलत चल जाए है और टाइम पर संभल जाए है तो बहुत बढ़िया है। एक पुरानी कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम न घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा करते। उसको बच्चे को माफ करो, समझाओ और उसका अच्छी जगह रिश्ता करो जहाँ उसका जीवन भविष्य सुधर सके। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे भाई, एक पिता ने अपनी बेटी को वापस बुला लिया, वरना तो कह भी देते हैं भाई, बहुत सारे केस सामने आते हैं। अंकल जी आपने भी सुना होगा, जब एक बेटी भाकर के शादी कर लेती है तो कई लोग देखे मैंने, वो पिंड दान कर देते हैं। वो कहते हैं भी मेरी बेटी हमारे, मतलब हमारे नाम के हाथ से मर गई, हम उसका पिंड दान करते हैं, उसकी तस्वीर पे माला चढ़ा देते हैं। आपके पिता ने आपको दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया था। मैं एज एन डॉटर, एक बेटी होने के नाते, मैं सभी बेटियों को, सभी बहनों को ये मैसेज दूंगी कि पहली बात तो हमें जो भी कदम उठाएं ना, सोच समझ के हमें कोई भी स्टेप लाइफ में लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है, मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों के साथ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है, एक दोस्त की तरह रहना चाहिए, ताकि बच्चा कोई भी बात शेयर करते हुए ये झिझक ना माने कि यार मैं पापा को बता दूँ या मम्मी को बता दूँ, घर में लड़ाई होए या पापा मुझे डांटे या मम्मी मुझे डांटे, बल्कि बात सुन के रिएक्शन करो बट उसको समझाओ कि बेटा नू नहीं, यो काम नू होना था। अच्छा, दो बेटियां एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाती हैं, शादी करती है, उनको लेकर के खास तौर पे क्या अपील? मेरी तो यही अपील है भाई, देखो माँ बाप, कोई भी माँ बाप, वैसे तो आज़ाद भारत है, कोई भी अपनी लाइफ में अपना स्टैंड ले सकता है, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी गलत डिसीजन नहीं लेता। हमसे अच्छा हमारे बारे में हमारे मम्मी पापा सोचते हैं, तो मैं भी अनमैरिड हूँ, मैंने ये फैसला अपनी मम्मी के लिए छोड़ रखा है। अच्छा। तो मैं भी क्या बोलते उसको, घर वालों की मर्जी से ही शादी करूँगी, अरेंज मैरिज जिसका बोलते हैं। बहुत बहुत शुभकामना गुड़िया। और भाई कमेंट बॉक्स अपनी राय रखे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकी इंतजार के साथ इशार से मैं जवाब हुआ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।